धरना हुआ, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आकर के जवाब दे। देखिए, बड़े ही उम्मीद के साथ, आशा के साथ, झारखंड के उम्मीद को लेकर के सर्वसम्मति से 1932 का मापदंड को मानते हुए तो नियोजन नीति को लागू करने के लिए हम लोगों ने सदन से पास किया था। और इसके बाद ये अभी सरकार बैकफुट पर चली गई और इसको 2016 के पहले की स्थिति को के अनुसार कुछ नियोजन नीति अपनाना चाहती है, लाना चाहती है। तो ये कहिए कि ये मोटा मोटी की कि जब और ये इसके बारे में ये कि सदन में जो पास हुआ उसको आप कैबिनेट में पास करके बिना सदन के विश्वास में लिए हुए आप पास करके ऐसा आप मनचाहा निर्णय ले लिए। तो ये सदन कैबिनेट से ऊपर है, इसलिए चाहिए था सबसे पहले से सरकार को कि हम सदन में इसकी चर्चा कराएं। चर्चा कराने के बाद सो चाहे जो भी आम सहमति बने उसको लागू लाना चाहिए था, लेकिन किस परिस्थिति में सो 1932 का को मांग करते हुए और इतने सालों तक सो लटकाए रह गए और फिर सो हाईकोर्ट उसको टर्न डाउन कर दिया। इसके बाद मामला सो खटाई में चला गया और लाखों युवाओं का कहिए कि भविष्य अधर में लटक गया। तो ये कहिए कि सरकार का कहिए कि ये फेलियर है इस सेंस में। तो इसलिए ऐसा सबसे पहले हम लोगों ने ये कहा है कि सरकार को ये वक्तव्य देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि आखिर 32 को किस प्रकार से आपने ला करके कैबिनेट में सो आप टर्न डाउन किए और इसके बाद 2016 की स्थिति को आप लाना चाहते हैं और भी 2016 का कब लाना चाहते हैं जो हमारी सरकार रघुवर दास जी की सरकार 1985 को लाया था। तो क्या वही लाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इस पर आपको वक्तव्य देना चाहिए। और वक्तव्य देने से ही सरकार भाग रही है, इसलिए हम लोग इनको घेरने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है, करोड़ों ये झारखंडियों का एक विश्वास है, तो ये बहिष्कार की बात जब सरकार सो पूरे देश के राज्य के जो युवाओं के साथ जब इस प्रकार से एक विश्वासघात करें काम करें, तो होली ऐसा मनाने का इनका कोई माने मतलब नहीं है। होली को तो इनको कहिए कि स्थगित कर देना चाहिए कि क्योंकि लाखों लाखों युवाओं का भविष्य की बात है इस पर।